बंडा पुलिस ने शराब माफियाओं को दबोचा। शराब माफिया गढ़ा कोटा के रहने वाले हैं। सागर जिले के बंडा में पुलिस ने 27 पेटी अवैध शराब पकड़ी। बुधवार की रात को बंडा पुलिस ने अवैध शराब को पकड़ा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस की सूचना प्राप्त हुई कि बुलेरो गाड़ी से अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने छापरी तिराहे पर चेकिंग लगाई। एक बुलेरो गाड़ी की चेकिंग की गई तो उसमें से 27 पेटी देसी मसाला लाल शराब मिली, जिसकी अनुमानित कीमत 1,27,000 बताई जा रही है। इसके साथ ही अखिलेश यादव, सुदामा विश्वकर्मा, प्रन्यास विश्वकर्मा को अपनी अभिरक्षा में ले लिया। पुलिस द्वारा आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। सूचना प्राप्त हुई कि बुलेरो में बहुत सारी अवैध शराब आ रही थी। सूचना के चक्कर हम लोग छापरी तिराहे वहाँ पर वाहन चेकिंग दौरान चेकिंग बुलेरो, जिसका नंबर 15BA3354 था, उसको रोक कर चेक किया तो उसमें 3 व्यक्ति बैठे मिले और उनके पास पीछे चेक किया तो 27 देसी मसाला लाल शराब की पेटियां रखी गई। तो आरोपियों से पूछताछ की गई। पूछताछ पर उन्होंने अपना नाम अखिलेश पटेल, निवासी खटोरा कला, सुदामा विश्वकर्मा और प्रियांश विश्वकर्मा बताया है, जो कि बड़ा गोटा के निवासी हैं। उनसे और पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद जो भी तथ्य सामने आए। कौन कौन सी धाराओं पर लेकर कार्रवाई की? 34 आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। बुलेरो